हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे सोलन से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सोलन से साधुपुल दरअसल एक बस जा रही थी, दुर्घटनाग्रस्त ये बस हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हादसे में दो लोगों की मौत, सात लोग घायल हो चुके हैं। कन्ना घाट के पास ये हादसा हुआ। एसपी वीरेंद्र शर्मा ने हादसे की पुष्टि की है। तो सोलन से इस वक्त की बड़ी खबर, कन्ना घाट के पास हादसा हुआ और इस हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत, सात लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें जो आई है सामने वो भी आपको दिखाएंगे। और सोलन से साधुपुल जो बस जा रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हादसे में दो लोगों की मौत, सात लोग घायल। चिन्मय कौशल इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। चिन्मय, ये हादसा कैसे हुआ? क्या ड्राइवर की स्पीड ज्यादा थी या फिर ओवरटेक करते हुए या फिर कोई और कारण? हुआ है ये उस समय हुआ जब कंडा घाट से सोलन साधुपुल की तरफ जो ये बस है वो जा रही थी। अचानक से ही ये बताया जा रहा है कि सामने से गाड़ी आ गई और गाड़ी को बचाते हुए जो बस चालक है वो अपने जो नियंत्रण है वो खो बैठा। और जैसे ही वो नियंत्रण खोया, उस जो बस से खोया, वो जो बस है वो जो गहरी खाई में है वहां पर जाकर गिर गई। और जब ये गहरी खाई में गिरी है तो उस समय जो बस में करीबन सात लोग सवार थे, जिसमें से जो चालक और परिचालक भी शामिल है, जिसमें से चालक की बताया जा रहा है कि मौके पर ही मौत हो गई थी। एक दूसरा व्यक्ति है उसकी भी जब अस्पताल उसको ले जाया जा रहा था तो उसकी जो मृत्यु है वो होने की पुष्टि हुई है। जो पांच घायल थे उन्हें जो शिमला IGMC है वो रेफर कर दिया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। और अभी ये बताया जा रहा है कि जो जितने भी घायल हैं उनकी हालत काफी जो खतरनाक है वो बनी हुई है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एक प्रश्न उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि जो सड़क के किनारे हैं जो क्रैश बैरियर बने होने चाहिए थे वो वहाँ पर क्रैश बैरियर नहीं है और अक्सर इसी तरह की जो घटना है इस सड़क पर देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद भी जो प्रशासन है वो नहीं जागा है और उनकी मांग है कि यहाँ पर क्रैश बैरियर लगाए जाने चाहिए ताकि आगे से इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। बैरियर लगाए जाने चाहिए, एक मांग ये है, लेकिन ड्राइवर्स को खुद भी सावधानी बरतते हुए ड्राइव करना चाहिए क्योंकि तीखे मोड़ होते हैं और ऐसे में हादसा होने का खतरा लगातार बना रहता है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, सोलन से आपको दिखा रहे हैं। हादसे में दो लोगों की मौत, पांच लोग घायल, कुल सात लोग इस बस में सवार थे और बस की क्या हालत हुई है इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की क्या हालत इस हादसे के बाद हुई होगी।